Lecture 21, Jordan form, very important topic. One question will definitely come in CSIR net. Jordan form के लिए हम Jordan block discuss करेंगे. Block का size कैसे होता है, characteristic equation given है तो metric का size कैसे आएगा. अगर आपको Jordan form given है तो आप characteristic polynomial और minimal polynomial कैसे निकाल सकते हैं, वो सब discuss करेंगे. Hi everyone, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR UGC NET Mathematical Sciences की वीडियोस, Class 11th, Class 12th Mathematics की वीडियोस and shortcuts on Class 11th and Class 12th topics. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें. So let's get started. जॉर्डन फॉर्म समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है. जॉर्डन ब्लॉक एक आप जॉर्डन फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो जॉर्डन ब्लॉक्स आपके कई बनेंगे. तो उसमें से जो एक जॉर्डन ब्लॉक मैं बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है. सो जॉर्डन फॉर्म में बहुत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी जॉर्डन ब्लॉक्स और उसका साइज क्या होता है वो डिस्कस करेंगे पहले. तो देखो लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखना. लैम्डा जो है यहाँ पे आइगन वैल्यूज है. सो लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यूज है तो जॉर्डन ब्लॉक में क्या होता है, सपोज ये एन क्रॉस एन की मेट्रिक है, ठीक है. एन क्रॉस एन का जॉर्डन ब्लॉक ये बन रहा है. सपोज करो मेट्रिक ही ले रहे हैं जॉर्डन ब्लॉक में भी, एक जॉर्डन ब्लॉक जॉर्डन फॉर्म का एक पार्ट ही होता है छोटा सा, राइट. सपोज एन क्रॉस एन की जॉर्डन ब्लॉक है या मेट्रिक है, आप कुछ भी कह लो, ठीक है. जॉर्डन ब्लॉक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है. तो लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यूज है. सो जॉर्डन ब्लॉक में क्या होता है, हर लैम्डा के ऊपर वन आएगा, बाकी सारी वैल्यू जीरो होंगी, ठीक है. हम कह सकते हैं वन जो लाए करेगा वो सुपर डायगनल्स पे लाए करेगा. सुपर डायगनल्स मींस जो डायगनल वैल्यूज हैं उससे ऊपर लाए करेगा. जैसे ये लैम्डा इसके ऊपर वन आ गया, ये लैम्डा इसके ऊपर वन आ गया, लैम्डा उसके ऊपर वन. अब आप कहोगे इस लैम्डा के ऊपर वन का क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो फर्स्ट रो है, इसके ऊपर क्या जीरो रो थोड़ी ना बनाओगे आप, ठीक है. सो लैम्डा शुरू होता है सपोज 3x3 की मैट्रिक है. सो लैम्डा शुरू होगा a11, a22, a33 पे, पर उसमें वन कितने आएंगे, ठीक है. देखते हैं एक बार, 3x3 की मैट्रिक ली है मैंने, लैम्डा लैम्डा लैम्डा. सो नीचे के तो सारे एलिमेंट्स में जीरो ही कर देती हूँ, है ना, ऊपर ही लिख, सुपर डायगनल पे ही हमें बनाना है तो नीचे के तो सारे जीरो ही हो गए, राइट. सो लैम्डा यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर वन आ नहीं सकता, फर्स्ट रो ही है. सो इसके ऊपर एक वन आ गया, इसके ऊपर एक वन आ गया, यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. सो ये 3x3 की मैट्रिक है. सो कितनी आइगन वैल्यूज आई मेरी, थ्री, ठीक है. और वन कितने आए, टू. सो जो सुपर डायगनल्स पे जो वन आएंगे वो लैम्डा से एक कम आएंगे, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि अगर n क्रॉस n की मैंने एग्जाम्पल लिया, n क्रॉस n का अगर मैंने जॉर्डन ब्लॉक बनाया है, सो इस जॉर्डन ब्लॉक का साइज हो गया n, पर जो 1 आएंगे वो कितने बार आएंगे, n माइनस 1, एक कम, क्योंकि जो फर्स्ट लैम्डा है उसके ऊपर नहीं आता है, स्पेस ही नहीं है, राइट. एक थ्योरम देख लेते हैं. अगर a n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है देन देयर इज अ बेसिस सच दैट a हैज ऑफ दिस फॉर्म. देखो ये यहाँ पे J1, J2, JK, ये क्या है, मेरे जॉर्डन ब्लॉक्स है और एक जॉर्डन ब्लॉक इस टाइप का होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं. सो एक जॉर्डन फॉर्म में देयर आर सो मेनी जॉर्डन ब्लॉक्स. अब देखो हम साइज किसका निकालते हैं, मैट्रिक्स तो एन क्रॉस एन की होगी, अगर हम एक जॉर्डन फॉर्म कंसिस्ट होता है सो मेनी जॉर्डन ब्लॉक्स से, तो हम साइज किसका निकालेंगे, मैट्रिक का तो ऑर्डर होता है ना, साइज किसका निकालते हैं हम, जॉर्डन ब्लॉक्स का. जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 2 2 2 है,
दूसरी लैम्डा इक्वल्स टू 333 है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में इन आइगन वैल्यूज के। देखो ये हमारा जॉर्डन ब्लॉक था, हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे मैंने जीआई से रिनोट किया है, ठीक है, एक जॉर्डन ब्लॉक। अब अगर मैं डायगनलाइजेबल मैट्रिक की बात करूं, डायगनलाइजेबल मैट्रिक में क्या होता है, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और जॉर्डन ब्लॉक के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो डायगनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर जो सुपर डायगनल है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, वन। पर जो डायगनल मैट्रिक्स है उसमें तो सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। सो इसमें कितने कितने साइज का ब्लॉक बनेगा, ओनली वन साइज का। क्यों? क्योंकि सिर्फ ए आएगा वन क्रॉस वन, बी आएगा वन क्रॉस वन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मेरा बी के ऊपर वन होता तो वो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होती, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे के दिखा रही हूँ। अगर बी के ऊपर वन होता तो ये मेरा एक ब्लॉक बन जाता, यहाँ पे तो जीरो ही होगा, ठीक है। कितने का, ऑफ साइज टू, क्योंकि टू क्रॉस टू का बन जाता इस टाइप से, राइट। नेक्स्ट, इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीजें और शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, सपोज मैं करती हूं यहां पे ए है बी है सी है, यहां पे मेरा वन आ रहा है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, और ये यहां पे ये नीचे वाले तो सारे ही जीरो होंगे, ठीक है। अब आप साइज बता सकते हैं इसका, सॉरी यहां पे भी सी आएगा, सेम एलिमेंट आएंगे ब्लॉक्स में, वी हैव सेम एलिमेंट्स, ये ध्यान रखना। आइगन वैल्यूज जिसके सेम होती है उसी का हम ब्लॉक बनाते हैं। हमने जॉर्डन ब्लॉक में देखा था हमने सारे लैम्डा ही लिए थे, यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री नहीं लेंगे, ठीक है। जो ब्लॉक्स बनते हैं उसमें सेम लेते हैं। सो यहाँ पे भी सी आएगा अगर यहाँ वन लिखा है, सो ये मेरा बनेगा, अब देखो ये मेरा क्या बन गया, टू क्रॉस टू का ब्लॉक बन गया, और ये मेरा क्या बन गया, वन क्रॉस वन का ब्लॉक बन गया। सो लैम्डा इक्वल्स टू ए का कितना साइज है वन, लैम्डा इक्वल्स टू सी का कितना साइज है टू, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ए का साइज, मतलब एक ही जॉर्डन फॉर्म में एक तो ए जो है वन क्रॉस वन का बन रहा है और एक ए टू क्रॉस टू का बन रहा है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे सी की जगह ए ही होता, सपोज सारी मेरी आइगन वैल्यूज ए ही होती और फिर भी मेरा यहाँ वन आता, तो यहाँ पे जो ए है वो तो वन क्रॉस वन का बन रहा है, पर ये वाला ए मेरा वन टू क्रॉस टू का बन रहा है, तो हम क्या साइज लेंगे, जो हाईएस्ट साइज होता है वो हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ए वन क्रॉस वन का है तो उसका साइज वन है, इसका साइज टू क्रॉस टू का है तो टू हो जाएगा, सो हम साइज टू लेंगे, राइट। ये मैं सेम आइगन वैल्यू है तीनों की ए ए ए उस केस में बात कर रही हूं, अदरवाइज यहां पे अगर सी था तो हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू ए का साइज वन है, लैम्डा इक्वल्स टू सी का साइज टू है। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है, आपको मैट्रिक्स का साइज निकालना है। इसमें क्या था, आपको जॉर्डन ब्लॉक्स का साइज निकालना था। इसमें आपको, आप ऑर्डर कह लो मैट्रिक्स का, वैसे तो हम बेसिकली ऑर्डर ही कहते हैं मैट्रिक्स का, पर कोई बात नहीं, जहां पे आपको गिवन हो कि आपको साइज निकालना है मैट्रिक्स का, वैसे तो हम ऑर्डर कहते हैं पर उसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर ही पूछ रहा है मैट्रिक का, जॉर्डन ब्लॉक का साइज होता है। सो यहाँ पे मैट्रिक लिखा हुआ है, साइज निकालना है मैट्रिक का, आपको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए गिवन है, मींस आपको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज 2 माइनस लैम्डा पार 4 इंटू 5 माइनस लैम्डा पार 3। तो इस मैट्रिक का क्या साइज होगा, जो इसकी पार होती है उनको ऐड कर लो, 4 प्लस 3 दैट इज 7, सो 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन टू में, मींस इस वाले क्वेश्चन में ही ये मुझे गिवन है करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसमें लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इक्वल्स टू 5 की सारी पॉसिबिलिटीज बताओ जॉर्डन ब्लॉक की। अब देखो लैम्डा इक्वल्स टू 2 का केस पहले कंसिडर करते हैं, तो क्या पार थी, लैम्डा माइनस 2 की पार 4 था, ठीक है। So, हमें सारे केसेस निकालने हैं, सो अब देखो हमारे पास 5 केसेस आएंगे। एक तो डायगनल मैट्रिक्स बन जाएगी कि सबका साइज 1 हो जाए, 2 2 2 2 सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स में होंगे, बाकी सारे 0, तो यहाँ पे 2 का साइज क्या हो जाएगा, चारों में 1,
वन क्रॉस वन की बन रही है, देर इज नो वन इन सुपर डायगोनल, सो सबका साइज वन हो जाएगा. ठीक है, सो ये आ गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ जॉर्डन ब्लॉक. तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो हम डायगोनलाइजेबल है. डायगोनलाइजेबल मैट्रिक क्या होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, राइट. अब हम सेकेंड देखते हैं. सेकेंड में क्या कर किया है, एक 2 क्रॉस 2 की बनाई है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, बाकी 1 क्रॉस 1 की है. 2 क्रॉस 2 की बनाने के लिए मैंने सुपर डायगोनल पे 1 कर दिया. ठीक है, सो अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मुझे ये सेकंड वाली दी जाए जॉर्डन ब्लॉक और मुझसे पूछा जाए कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 का साइज बताओ, तो साइज क्या बताऊंगी, जो हाईएस्ट साइज होगा दैट इज 2. ठीक है, थर्ड मैंने क्या किया है, 3 क्रॉस 3 की बनाई है, एक 1 क्रॉस 1 की बनाई है. 3 क्रॉस 3 की बन गई, 2 1 आ गए. 3 क्रॉस 3 की बनाने के लिए 2 1 आएंगे, एक कम आएगा, 3 की जगह 2 आएंगे. 2 क्रॉस 2 की बनाने के लिए सिर्फ एक ही 1 आएगा. 1 क्रॉस 1 की बनाने के लिए एक भी 1 नहीं आएगा, n माइनस 1 करते हैं ना. और क्या केस हो सकता है कि मैं दोनों ही 2 क्रॉस 2 की बना लूं, ये भी कर सकते हैं. और क्या केस होता है, मैं 4 क्रॉस 4 की बना सकती हूँ, इसके अलावा कोई केसेस हैं, नो. अब आते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 5 पे. लैम्डा इक्वल्स टू 5 के केस में क्या पार्ट थी मेरी, लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब था. सो फर्स्ट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रखो, 1 क्रॉस 1 की बनाओ, सो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है. सेकंड में क्या करना है मुझे, एक मैंने 2 क्रॉस 2 की बना ली, एक 1 क्रॉस 1 की बना ली. थर्ड में 3 क्रॉस 3 की बन गई, दो बार 1 आ गए सुपर डायगोनल्स में. इन तीनों के अलावा कोई और केस बन सकता है लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब में, नो. सो यही हमारे पॉसिबल ऑल पॉसिबल केसेस है फॉर लैम्डा माइनस 2 होल 4 एंड लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब. नाउ सी नेक्स्ट, जो हमने क्वेश्चन 3 में जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए थे ना, लैम्डा माइनस 2 की पावर 4 के और लैम्डा माइनस 3 की पावर 3 के, जो हमने जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए थे उनको, वो तो हमने जॉर्डन ब्लॉक्स बना दिए. अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, मींस जॉर्डन फॉर्म बनाओ कंबाइन करके. सो फर्स्ट केस वाले में बहुत सारे केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस को आप 5 लैम्डा इक्वल्स टू 5 के तीनों के साथ कंबाइन करोगे, फिर सेकंड वाले को लैम्डा इक्वल्स टू 5 के साथ सबके साथ कंबाइन करोगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे ना. मैं सिर्फ 2 केस बना के आपको दिखा देती हूँ, रेस्ट यू हैव टू मेक ऑन योर ओन, सारे बना के दिखाना. ठीक है, 15 केसेस बनेंगे. मींस लैम्डा माइनस 2 होल पावर 4 के 5 केसेस बने थे, वो 5 केसेस इन लैम्डा माइनस 3, सॉरी लैम्डा माइनस 5 था ना, लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब के तीनों के साथ जाएगा. सो 15 केसेस बनेंगे, जिसमें से 2 केस मैंने आपको बना के दिखाए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट केस ले लेते हैं दोनों का. फर्स्ट केस क्या था दोनों का, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स थे, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो थे, मींस 1 क्रॉस 1 साइज की बन रही थी. तो उसमें क्या करना है, ये कितने की मैट्रिक है टोटल, इसको लिख देना है 1 2 3 4. जॉर्डन ब्लॉक कितने का था, ये 4 क्रॉस 4 का, क्योंकि लैम्डा माइनस 2 पार 4 है, और ये था 3 क्रॉस 3 का. मींस मेरी जो मैट्रिक बनेगी वो कितने ऑर्डर की होगी, ये हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, 4 प्लस 3 करना है, दैट इज 7 क्रॉस 7 की बनेगी. सबसे पहले 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक बना दो, एंट्रीज फिल करो. पहले तो लैम्डा माइनस 2 पार 4 वाली सारी मैंने फिल कर दी जो फर्स्ट केस लिया था, उसके बाद लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब वाला फर्स्ट केस मैंने फिल कर दिया, बाकी के सारे यहाँ पे जीरो हो गए. ठीक है, आपको ये पार्टीशन आपको करना नहीं है, सिर्फ कैसे बनाना है उसके लिए मैंने ये बीच में लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, जब आपको बनाना आ जाए तो लाइन हटा दो, इस तरह से आपको बनाना है. ये 4 क्रॉस 4 की बनाई, उसके बाद फिफ्थ कॉलम से शुरू कर दो, फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम से शुरू कर दो 5 का. अगर और भी इसके आगे और कुछ होता, जैसे लैम्डा माइनस 4 पार्ट स्क्वायर होता, तो आपका यहाँ पे एक और यहाँ पे ब्लॉक आ जाता और यहां से शुरू हो जाता 8th कॉलम और 8th रो से, राइट. एक और बनाई है मैंने, जिसमें मैंने लिया था लैम्डा एक 2 क्रॉस 2 का साइज लिया था, बाकी सबके 1 क्रॉस 1 के साइज लिए थे, है ना, दोनों की सेकंड सेकंड कंसीडर करके बनाई है लाइक दिस. सो ये
अलग बना लिया 4x4 का, फिर फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ रो से स्टार्ट किया 3x3 वाला लाइक दिस। सो बाकी के जो 13 पॉसिबिलिटीज है वो खुद से ट्राई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-6 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है जॉर्डन फॉर्म से, जॉर्डन ब्लॉक से। सो इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो भी जॉर्डन फॉर्म पे ही करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो आ चुका है क्वेश्चन जॉर्डन फॉर्म का वो। अब क्वेश्चन 5 है, इसमें देखो आपको ये गिवन है, ए मेट्रिक आपको गिवन है, जॉर्डन फॉर्म गिवन है, इसमें जॉर्डन ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं। सो आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है जॉर्डन फॉर्म का, ठीक है। दिस इज जॉर्डन फॉर्म, तो ये आपको गिवन है। देखो ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन में आपको ब्लॉक्स बनाए हुए नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही निकाल बनाने हैं। कैसे बनाओगे, जिस जिसके ऊपर वन है, जैसे यहाँ पे 2 1 है तो कितने की मैट्रिक, कितने का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, 3x3 का, मीन्स जितने 1 है उससे एक ज्यादा का ऑर्डर होगा ब्लॉक का। यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ 5 1x1 का, यहाँ पे सिर्फ 1 है 1, तो कितना ऑर्डर होगा इस ब्लॉक का, 2x2, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, लैम्डा माइनस 5, और कितनी बार है ये, 4 बार है, 5 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, जो लैम्डा की जो डायगनल एलिमेंट्स में जो वैल्यूज होती हैं 5 6 2 है, तो लैम्डा माइनस 5 लिख लो इनटू लैम्डा माइनस 6 लिख लो। अब जितनी बार वो आ रहे हैं, 5 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, सो लैम्डा माइनस 5 की पावर 4, और 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लैम्डा माइनस 6 की पावर स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई, व्हाट इज दिस, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू 0 करना है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल, मिनिमल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मिनिमल के लिए क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 6 तो लिखना ही है दोनों में ही। सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको जितनी बार वो वैल्यू आ रही है लैम्डा इक्वल्स टू 5 उसकी पार कर देनी है, जितनी बार लैम्डा इक्वल्स टू 6 वैल्यू आ रही है उसकी पार कर देनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना इज वेरी सिंपल अगर आपको जॉर्डन फॉर्म गिवन है तो। मिनिमल के लिए क्या करना है, लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 6 लिख लिया। अब लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए जो हाइएस्ट ब्लॉक बन रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए ये हमारा बन रहा है 3x3 का, लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए ये हमारा 3x3 का बन रहा है, और ये 1x1 का बन रहा है। सो लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए हाइएस्ट ब्लॉक लेना है, कितने का है, 3 का, सो लैम्डा माइनस 5 होल क्यूब। अब लैम्डा माइनस 6 का सिर्फ एक ही ब्लॉक बन रहा है, दैट इज 2x2 का, सो लैम्डा माइनस 6 की पावर 2, इस तरह से देखना है, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए निकालना है आपको, लार्जेस्ट ब्लॉक लेना है किसी भी पर्टिकुलर आइगन वैल्यू का, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, जॉर्डन फॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।